अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रावलपिंडी शहर के मेन शॉपिंग प्लाजे आशाना सेंटर, राबी सेंटर, मलकाबाद, मिडवे, गल्फ प्लाजा, अलजन्नत माल और दीगर मेन कारोबारी मराकज़ बिल्कुल बंद हैं, लेकिन बाज़ जगह लोगों का रश भी देखा जा रहा है। इसी हवाले से शहरियों से पूछते हैं कि कारोबार की बंदिश के बायस ये अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का पहिया कैसे चला रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद होने पर भूख के साए मंडला रहे हैं और पूछते हैं शहरियों से। मैं सलमैनी करता हूं जी, मरी रोड पे। मुझे 2 महीने हो गए थे खाने के लिए आए। मुझे एक बात बता दें आप, ये मैं हुकूमत को कहता हूं, भाई हम घर रहेंगे तो खाएंगे कहां से, बाहर आएंगे तो कोरोना से मरेंगे। आप एक बात बता दें, हम कौन सा काम करें? चोरी तो नहीं कर सकते ना, डाका तो नहीं मार सकते। हक लाल की जो कमाता है ना, अब दुकानें खुलेंगी तो हम खाएँगे ना। भैन लॉकडाउन तो होना चाहिए। लॉकडाउन में 2-3 सूरतें हैं। अगर हुकूमत ये जितने दुकानें बंद हैं या ये जितने लोग घरों में मौसूर हो गए हैं, अगर हुकूमत एक एक महीने का राशन इनके घरों में पहुंचाए, तो फिर लॉकडाउन के खोलने का कोई लोड़ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर ना पहुंचाए तो? अगर ना पहुंचाए तो फिर आप खुद सोचो। 2 महीने से ऐसे लोग हैं कि मैं आपको बताऊँ, ऐसे लोग हैं, यकीन मानो कि वो 2 वक्त की रोटी लेने को मौसूर है। ऐसे हमारे साथ मौजूद हैं जफर आरई साहब, और ये बेसिकली टिकटॉकर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। की हालत टिकटॉक वाले और जितने मेरे फ्रेंड हैं सबके, मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि ये जो अभी मसला चल रहा है, आपको पता है लॉकडाउन, इसका ये बहुत बड़ा मसला है। आप एक तरफ बीमारी है, इसकी बड़ी बीमारी है, एक तरफ ये हमारे घरों में लोग बैठे हैं परेशान हैं। अब ये क्या होना चाहिए? अब ये मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं लग रही है। अब लोग परेशान हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब लॉकडाउन खोलना चाहिए। जो आगे ईद आ रही है, लोग परेशान हैं, कम से कम थोड़ा सा कोई खरीदो फरोख कर लें। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, टिकटॉकर को क्या पैगाम देते हैं? टिकटॉकर को मैं ये कहता हूँ, अगर हमारे ऊपर इतना बड़ा अजाब आया हुआ है, तो हमें कोई दीदी वीडियो बनानी चाहिए, कोई दुआएँ करनी चाहिए। ये जो हम जो गाने वाली वीडियो बना रहे हैं या फ़नी वीडियो बना रहे हैं, इनको अब छोड़ दें। फिलहाल मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, किस चीज़ का कारोबार है आपका? यही साइकिलों का दुकान है हमारा। तो अब लॉकडाउन की वजह से कितना काम मुतासर हुआ आपका? बहुत सारा मुतासर हुआ, एक थोड़ा सा नहीं, 2 महीने हो गया घर बैठे हुए, काम शाम नहीं है, क्या करें? काम बिल्कुल ख़त्म हुआ है, काम है ही नहीं, रहा ही नहीं है काम बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से। कोई घर से बाहर निकलेगा तो घर बैठेगा ना। फिर किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बस मुश्किल ही है गुजारा। आप लोग बाज़ार में निकलते नहीं है तो काम कहाँ से होंगे? लोग बाज़ार में आएंगे तो काम होंगे? बिल्कुल काम नहीं है। सुबह से 500 रुपये का सेल भी नहीं किया। किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? बस बहुत मुश्किल हालात है, अल्लाह खैर करे। निज़ाम नहीं चल रहा आजकल, तो बहुत मुश्किल हालात है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये ऐसा है ना कि लॉकडाउन तो होना चाहिए, कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, तो वो फिर किस तरह सर्वाइव करेंगे कि लॉकडाउन, तो किस तरह वो कारोबार करेंगे, मैं किस तरह गुजारा करेंगे? इसमें गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए।